मध्य प्रदेश में किसके पक्ष में जनता जाएगी ये तो जब वोटिंग हो जाएगी परिणाम आएंगे तब साफ हो पाएगा, लेकिन अनुमान बड़े लग रहे हैं और दांव भी बड़े लगे हैं और रणनीति भी बड़ी चली गई है। ऐसी ही रणनीति है पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में लगातार सभाएं करने को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी जितनी बार मध्य प्रदेश में आए हैं वो 2018 की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा है और एक अध्ययन के मुताबिक पिछली बार से 45% ज़्यादा सभाएं पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में की हैं। और खास बात यह है कि पीएम मोदी का इतनी ताकत झोंकना क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक बार फिर वापसी कराएगा, बीजेपी को सत्ता पर बैठाएगा? क्योंकि पीएम मोदी मध्य प्रदेश में जितनी सभाओं में गए उनके भाषण में एक चीज साफ तौर पर झलकी, जोश तो झलका, उनके भाषण में ये बात भी निकलकर सामने आई कि मध्य प्रदेश में जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं, यानी 100% पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ही आएगी। पीएम मोदी को ये भरोसा, क्योंकि उनके राजनीतिक अनुभव जो है वो काफ़ी पुराना है और उन्होंने कई चुनाव देखे हैं मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों के चुनाव, गुजरात में इतने लंबे समय तक सीएम रहना, अब ऐसी स्थिति में क्योंकि इस बार का चुनाव पीएम मोदी की रणनीति और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति पर बीजेपी लड़ रही ये भी साफ है, आलाकमान ने जो कमान है अपने हाथ में ले रखी है, ऐसे में पीएम मोदी जो है पीएम मोदी की सभा में उमड़ी हुई भीड़ और उस उमड़ी हुई भीड़ का पीएम मोदी के भाषण में जिस तरीके का जोश दिखा उससे भी अनुमान लग रहे हैं कि एक गेम चेंजर क्या पीएम मोदी हो सकते हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि ये सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता ही तय करेगी कि कौन आएगा, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से जोश भरा और बीजेपी को भी लग रहा है कि पीएम मोदी की इतनी सभाएं कराने का उसको फायदा मिलेगा, उसकी वजह साफ है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश की उन तमाम सीटों पर पीएम मोदी गए जहां पर दिग्गज उतरे हैं, साथ ही साथ उन सीटों पर भी गए जहां पर कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है काफी समय से और बीजेपी वहां अपनी संभावनाएं तलाश रही है। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी ने बहुत सटीक दांव भी चला बाद में, सीएम शिवराज का भी नाम लिया, लाडली बहना योजना का भी नाम लिया, तो बहुत सी चीजें होती और कहा जाता है क्योंकि पीएम मोदी चुनाव प्रचार के पहले तक लगातार ताकत झोंकते हुए नजर आए, तो पीएम मोदी की रणनीति से जीत का रास्ता बीजेपी का बनेगा या नहीं ये देखना होगा। आप देखते रहे एमपी तक।